तो सारे जय माता दी, जय सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई फील सच। ये यात्रा है श्री माता वैष्णो देवी जी की, जो हमने इस बार की नए मार्ग से ताराकोटे मार्ग। ये यात्रा अगर आपको फैमिली के साथ या बड़े ग्रुप में करनी है तो यह रास्ता सबसे अच्छा और सबसे पीसफुल है। जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई। जय माता दी। आगे वाले, जय माता दी। पीछे वाले, जय माता दी। लगाओ जयकारा, लगाओ जयकारा, बोल सच्चे दरबार की जय, माता के प्यार की जय। रास्ते में बहुत ही कम भीड़ रहती है और साफ सुथरा रास्ता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। और रास्ते में माता के भवन पे मैकडी भी खुला है। यहाँ बिना प्याज का। रास्ते में जगह जगह खाने की शॉप्स और वॉशरूम वगैरह। जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई, सारे बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, बोलो माता रानी की, बोलो सच्चे दरबार की। जाओ जाओ, बाय बाय, इधर चलो मिस्का, इधर खाना। जय माता की। जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई। छोटे वाले, बड़े वाले, बोलो सारे बोलो, बैठे वाले, चलते वाले। ये हम अभी 1 किलोमीटर ऊपर आए हैं और यहाँ से कटरा का नजारा, वाह भाई। जय माता दी, जय माता की। ये सपोर्ट देते हुए मम्मी चाची को, रास्ते में मोरल और फिजिकल सपोर्ट दोनों की जरूरत। माता जी,
जगह जगह यहाँ पर पानी के प्याऊ, खाने की शॉप्स कम हैं पर रास्ता नीट एंड क्लीन है। तो आपको बैठने के लिए चेयर्स हो गए, वॉशरूम्स हो गए। वॉशरूम बड़े साफ और साफ सुथरे हैं यहाँ पर इस रास्ते में। फर्स्ट एड की सुविधाएं भी मिल जाती है अगर किसी को फील गुड नहीं हो रहा है रास्ते में चढ़ाई करते टाइम, तो अच्छी फर्स्ट एड की सुविधाएं भी मिल जाती है। थोड़ा दूर चलकर ऊपर की तरफ और यात्रा शुरू करने के 4 किलोमीटर के बाद यहाँ पर लंगर की सुविधा भी उपलब्ध है। वो 2400 घंटे चलता रहता है। कोई ये भंडारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा 2400 घंटे चलता है, जिसमें आपको 2400 घंटे कुछ ना कुछ खाने के लिए कढ़ी चावल, दाल चावल जैसी सुविधाएँ मिलती हैं। इसी के बाहर की तरफ ये अच्छा सा गार्डन और पार्क बनाया हुआ है, फाउंटेन्स भी है, रात को बहुत अच्छा सा नज़ारा होता है यहाँ पे। यहाँ की सुविधा के साथ आपको खाने की, लंगर की सुविधा के साथ आपको बर्तन खुद ही साफ करने होते हैं, अपना झूठा खुद साफ करना होता है। तो यहाँ की स्वच्छता बनाए रखें और चलिए चलते हैं माता के द्वार। आगे का इनका प्रोजेक्ट है 2024 का कि ये डायरेक्ट नीचे बाण गंगा से और भवन तक के लिए ट्रॉली चलेगी, तो शायद ये वही है, उसी का ट्रायल चल रहा है अभी। तो फिलहाल इसमें पत्थर जा रहे हैं। माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जाने के लिए ये ट्रॉली सुविधा, जो पर पर्सन 100 रुपये रेट है इसका आने जाने का, बड़ी अच्छी सुविधा। एक ही बारी में 40 से 45 लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं। लाइन थोड़ी लंबी होती है पर भवन से और भैरव बाबा तक जाने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, कम ही समय लगता है और बहुत ही सुटेबल है जो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते हैं भैरव बाबा की, तो बुज़ुर्गों के लिए, सभी के लिए अच्छा है, टाइम सेविंग है और थकान से भी बचाता है, सेफ है। बाबा के दर्शन के बाद इस तरीके की आगे की वीडियो देखा।